अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लॉन्चर के बारे में जिसको देखकर आप वाकई में आपके होश उड़ने वाले हैं। एक बार वीडियो को एंड तक देख लें, फिर आप लाइक या डिसलाइक कीजिएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अभी वीडियो शुरू ही होती है वो डिसलाइक कर देते हैं। यार, आपको थोड़ा इलम होना चाहिए कि वाकई जिसकी कोई चीज़ अच्छी हो उसको लाइक करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ अपनी जेलिसी की वजह से डिसलाइक कर देते हो। यार, इतनी जेलिसी मत दिखाया करो। आप भी अगर यूट्यूब पर काम करना चाहते हो या आप रैंक होना चाहते हो तो खुद मेहनत करो, किसी पे डिपेंडेंट मत रहा करें। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। फिर आप कहेंगे भाई आप बोलते बहुत हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये लॉन्चर है, इसका नाम है 3D लॉन्चर वीज। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसको जब ओपन करेंगे तो ये आपके शायद मोबाइल में यहाँ से ओपन हो जाए। अगर यहाँ से नहीं होगा तो आपको अंदर जाके करना पड़ेगा। ये देखिए, मेरा तो यहाँ से आपने वन क्लिक पर हो गया है। तो अगर आपका नहीं होगा तो आपको वहां पे जाके करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह का ये लॉन्चर आपको देखने को मिलने वाला है। मेरे सब ऐप से इस 3D लॉन्चर में आ चुकी है। मैं जिस ऐप पे क्लिक करूंगा वो ऐप, और जैसे मैं YouTube पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए YouTube अभी ओपन हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे काफी चीजें देखने को मिलती है, और यहाँ से ये देखिए YouTube ओपन होगी। YouTube ओपन के बाद आप यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट, मैंने अभी क्लिक किया, कॉन्टेक्ट भी हो गया है। तो आप इसके साथ और भी काफी चीजें देख सकते हैं। ये देखिए, मैं जैसे गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, ये देखिए दोस्तों गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। और मैं आपको सेटिंग में बताता हूँ, छोड़ के मत जाइएगा वीडियो, इसको सेटिंग बताऊंगा कि फिर आपकी ये एप्लीकेशन चलेगी वरना नहीं चलेगी। तो दोस्तों, यहाँ से मैं कोई और चीज़ आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ये अलार्म है, अलार्म को ओपन करके दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए, अलार्म ओपन हो चुका है। उसके बाद अब मैं आपको इसकी सेटिंग बताने वाला हूँ। तो वीडियो को मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम दोस्तों जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद अगर आपकी वहाँ से हो जाती तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं। आपने एडिशनल सेटिंग में चले जाना, आपका कोई भी मोबाइल है वहाँ पे आपने डिफॉल्ट एप्लीकेशन की ऑप्शन ढूंढ रही है, वहाँ से ढूंढ कर आपने होम पे जाना है। होम जहाँ पे सिस्टम होम स्क्रीन होती है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने जितने लॉन्चर किए होंगे वहाँ सब आ जाएंगे। आपने 3D लॉन्चर वीज पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लॉन्चर इस पर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप 3D पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको सारे जितने भी यहाँ पे लॉन्चर होंगे वो सब यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे फिर आपको यहाँ पे सारा, क्योंकि ये सेटिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।